चार पत्रकार हैं नरवाने के जिन्हें सच का साथ दिया, अंकुल और है भाई आज भी है मौजूद है, और मैं कहूंगी मैं भाई भी अपने आप ही की बताऊं है उनके खेल भी दरोध कर रहे हैं बंदूक के दम पे वो अत्याचार किया जो सब नहीं होया करता। तो आखिर एक बात बताओ आप लोगों की आवाज उठावेगा कौन जब पत्रकार तक शोषित होने लगे हैं। इनका द्वारा गन है, इनका द्वारा सत्ता है, इनका द्वारा शासन है, इनका द्वारा प्रशासन है, पर हमारा द्वारा हमारा समाज है, और समाज का अगर ना एमपी ना एमएलए ना मुख्यमंत्री, और जब मेरे खाके चोरी में इतना जोड़ कर विनती करना चाहूँ जरा न्याय हो जरा सत्य हो, आप लोगों ने एकजुट खड़ा होकर बोलना पड़ेगा सत्य एक जगह खड़ा है। आदरणीय सम्मानित मंच मिले विद्यार्थी बुजुर्गों नौजवान साथियों मीडिया कर्मी प्यारे बच्चों, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस इंसाफ की लड़ाई में आप लोगों ने एक मान सम्मान दिया, एक इज्जत दी और एक ताकत दी। रैगी बाती पे भी शुरू कर टकरा, क्योंकि जब बोलने आ गया बंदा के अंदर जब दर्द हो है ना वो उसकी दिल की आवाज हो है, कुछ सोच के नहीं आते हम, और यह आवाज आ रहा नहीं किसी बंद कमरे में शिक्षा डाल के कपड़े खींचे गए, किसी बहन की कहीं चुनरी खींची गई 26 जनवरी ने, और फिर एक मौका ऐसा आया बात ऐसे नहीं रुकी क्योंकि यह कमी हमारा समाज में है। मैं गुड़गांव में थोड़ी करूँ मेरे जड़े कमी लागे थी, मैं वहां अगले ग्रह का काम कराया करूँ, इसे करके मेरे गेला गेले कम खड़े हो गए खिलाफ ज्यादा खड़े हो गए, क्योंकि जो सच्चाई हो उसने स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि समाज उसे दिन शिक्षा डाले के ऊपर इस समस्या का समाधान कर लेता पूरा हरियाणा एक साथ खड़े हो जाता तो फिर ना तो दूसरी बेटी का बलात्कार हुआ था और फिर ना तीसरी का हुआ था। तीसरी भांति जो मेरे घर की बेटी थी जिसने एक सच्चाई के प्रतीक के प्रति सिर्फ एक आवाज उठाई थी कि किसी बहन बेटी की इज्जत ना ले, पर उन लोगों ने क्या किया लगातार इस बेटी को 10 दिन ट्रोल किया सोशल साइट के ऊपर, पर मैं डरती को नहीं क्योंकि हमने चूड़ी जरूर पहन रखी है और वक्त आना पे तलवार दसी तारने का मौका देखा। यह बात बिल्कुल भूल जियो कि कोई ऐरा गहरा मुँह चुन्नी खींच कर और भीतर घुस देगा, जिस दिन अपना लिपागे भीतर तक खींच कर जाओगे हमें पे हरियाणा की पंचायतों की खापा की और किसानों की और अपना भाईचारा की बात देखने लग रहे हैं, इसे करके चुपा नहीं तो एक साध्वी आपने मेरा हुआ लगातार 10 दिन बलात्कार मानसिक बलात्कार कर गुजरी हूँ मैं, मेरा परिवार को टारगेट किया जा रहा है और जब मेरा कदम की दे गई मेरा परिवार कदम की दे गई मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई उचार के चार खाने में तो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन है के माला कर दिया यानी सच बोलना गुनाह हो गया के आदमी तो कपड़े तारे तारे थे इनकी तो लुगाई भी कपड़े तारे है, ये वाला क्या है भीतर बच्चे ना भीतर तक लड़कियां उठा उठा के ले जाएंगे और दिन ज्यादा दूर नहीं। मेरी तो आप लोगों का जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान कर लो और इसका समाधान कर लो कि एक के बाद निचोड़ हो जाए, जब बुराई एक जगह लड़ सके तो अच्छाई एक जगह खड़ी होकर क्यों नहीं लड़ सकती, और मेरे पे कोई रुकी गलती हो तो मैं माफी चाहूँ, और जो मेरी सरदारी मेरा समाज मेरा खाप जो भी फैसला लेगा मैं बिल्कुल तनमंदन से उचाना करना बिल्कुल तनमंदन से, और हमारा समाज हमारी दर्द खाप तो मेरी तो इस समाज से विनती है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कर लो कि इस सरकार को उखाड़ फाको नहीं तो यहाँ ऐसा सारे आपकी बहु बेटियां नहीं छोड़ेंगे, बस हमारा तो एक समस्या का समाधान है ना रोएगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, एक साल बाकी रह गया एक गड़ा में किसे कलिया आप लोग चढ़ जाओ न्यारे न्यारे मेरे का कलिया ना खींचो नहीं तो दोबारा अपना बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जय हिंद जय जवान जय किसान। माता शक्ति मातर शक्ति पूरा शक्ति पूरा शक्ति नौजवान शक्ति नौजवान शक्ति मारी खापे मारी खापे संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा भगत सिंह तेरी सोच पे हर घर से भगत सिंह हर एक घर से लक्ष्मी बाई निकलेगी, जदयू देश यू प्रदेश हमारी महिला शक्ति बच रहेगी, हम लोग जोड़ कर लिखी है वक्त है सूखे वाजा सूखे वाह में कुछ नहीं दे रहा। जय हिंद जय जवान जय किसान। अनुरोध है कि हम काम रख सके
जो हमारी परंपरा रही है इन्हीं बात माफी चाहूंगा। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी होगी, जो भी साथी आए वो दो मिनट से ज्यादा का समय ना ले। हमारे पंचायती पूरे हरियाणा से हमारे पंचायती सरदारों समाज के बुजुर्गो मातृशक्ति नौजवान साथियों, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि खाप पंचायतों की महापंचायत की बात कहनी पड़ती है, आपको लोग लालच छोड़ना पड़ता है और तब आपको समाज स्वीकार करता है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, समाज आपको चाहता है तो आप पंचायती हो, समाज आपको नहीं चाहता तो आप अपने घरों जैसे हो, दुनिया रहती है। तो आज का जो ये महापंचायत है इसके लिए हमारी बहन सोनिया जो संघर्ष कर रही है वो बधाई की पात्र है और हम नौजवान लड़कों के लिए भी। हमेशा पंचायत में स्टेज कभी नहीं होती, कैथल के अंदर देखा है पंचायत में स्टेज नहीं हुआ करती। पंचायत में जो धरती पे बैठ के जमीन पे बैठ के हर आदमी सोचेगा कई बार वो झूठ को बोला मंच पे, लेकिन इस धरती पे मंच पे झूठ बोल देंगे, नेता सदा बोल रहे झूठे। एक बात कर लो घर जाकर अपने बड़का ने एक बात पूछ लियो कि बाबू आज के कहता है नुकारा बेटा तो तू कहता है, लेकिन अच्छी बात को नहीं। इस सोनिया ने जब ये गांव में गई आंखों में आंसू आगे देखे या बेटी दर दर क्यों भटक रही है, लेकिन इसका दर्द हम बोल नहीं सकते, लेकिन अब गराजा के गुजर ने मौके पे याद था, लेकिन इसका अगर हमेशा याद रखा पंचायती सरदारों बुरा ना मानियो, एक दर्द है अनुशासन में खुद भी रहा करो और अपने परिवार में भी रखा करो और काम करने लग जाओ भाईचारा में बढ़ जाओ और भाईचारा का हमेशा यह हाथ जोड़ा करो, इसका बड़ा हथियार बनता रहो यह हाथ जोड़ा करो, एकार में लंबी गर्दन मत करो, आपने गर्दन लंबी रखी हमेशा आज तक। मैं वादा करता हूँ बड़ी सभा में आज से मैं हाथ जोड़ने का काम करूंगा सारे जितने भी पंचायती सरदारों सबके सामने, यह हाथ जोड़ना सीखो, भाइयों से प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो। ये बेटी है शक्ति मेरे सामने जो बेटी है, ये ताकत है, अगर ये ताकत मेरे साथ जुड़ जाएगी तो हम तो कहो किसने बाहर काट करके हम अंदर दिल के बंद कर देंगे सरकार को। लेकिन एक बात हो रही पीछे से अब कह रहे थे भाई 5 मिनट दिया करेंगे आखिरी में, हम इन नेताओं ने आज कहते 1 घंटा दिया करूंगा, मैं जा भी आऊंगा टेम 1 घंटा दिया करूंगा। जय हिंद जय हिंद।